भूपेंद्र यादव जी, सम्माननीय उपसभापति महोदय, हर वर्ष हम लोग सूखे की चर्चा करते हैं, लेकिन जो सूखे का संकट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के जो जल मंत्रालय है उसके एक आंकड़े के अनुसार भारत में 21 अप्रैल 2016 तक कुल जो जलाशय की क्षमता है उसका 22% जल ही उपलब्ध है, जबकि पिछले वर्ष ये कुल संग्रहण का 65% और पिछले 10 वर्षों में ये 76% था। और इस समय सूखे के जो संकट का जो ज़्यादा समाचार आ रहा है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पिछले 67 सालों में जो महाराष्ट्र में जो जल प्रबंधन का कार्य हुआ है और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो महाराष्ट्र में जो बड़े जल प्रबंध के जो बांध बने हैं वो 1845 बने हैं। इसलिए एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या में बांध बनने के बाद भी जो 15 मीटर ऊंचे और लगभग 600 लाख क्यूबिक मीटर के बांध बने हैं उसके बाद भी हम सूखे के संकट का सामना क्यों नहीं कर पा रहे। और मुझे ध्यान है एक बार शरद पवार जी ने जब कृषि पे भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने मेरी शुरुआत जो करी बारामती में स्थायी रूप से पानी और सूखे के संकट को जब नया सदस्य बना था तो उसको स्थायी समाधान करने की बात करी, लेकिन इसके बावजूद भी आज मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में हम पूरे तरीके से समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे। आज़ादी मिली थी तब देश में लगभग 50 के करीब नगर निगम थे, आज हमारे यहाँ 156 नगर निगम हैं। मुंबई के आसपास जितने भी बड़े जलाशय बने हैं उनकी जो ज़्यादा पानी की आपूर्ति है वो शहरी क्षेत्र की पानी की आपूर्ति के लिए होती है। तो सरकार को जिस प्रकार से नगर बढ़ रहे हैं और शहरों को लगातार जल आपूर्ति करनी पड़ती है उसमें और ग्रामीण क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए एक कोई सर्वे कराना चाहिए जिसमें पानी को जो हम इकट्ठा करते हैं उसकी मांग और आपूर्ति का क्या संबंध रहना चाहिए। जितना जलाशय में हम पानी इकट्ठा करते हैं देश के जो बड़े जलाशय में उसमें 60% पानी अगर रहेगा तभी हम बिजली का उत्पादन कर पाएंगे, तो हमें जलाशय में बिजली का भी उत्पादन रखना है ताकि सब लोगों को बिजली मिलती रहे। हमें शहर के लिए भी लगातार जो पानी है उसका जो खर्चा होता है शहर के लिए उसकी भी आपूर्ति को रखना है और खेती और पशु के लिए भी आपूर्ति को रखना है। हमारे देश में पानी के संकट को अभी माननीय मंत्री जी कह रही थी कि उनके मन में भी ये संशय था कि इसको केंद्रीय विषय बनाया जाए या ये राज्यों का विषय रखा जाए। एक जो सबसे बड़ा विषय है, आखिर हमने देश के न्यायालयों को ये कहा वाटर पंचायत बना करके कि आप इस समस्या का समाधान करो, पर जितने भी अंतरजलीय विवाद हैं जो एक लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़े हैं पिछले 30, 35, 40 साल से अभी उस पर एविडेंस की शुरुआत भी नहीं हुई है। आखिर संसद को इस संबंध में एक सकारात्मक और सक्रिय कार्यवाही करके ये जो हमने एक मैकेनिज्म दिया है सारे अंतर राज्य जल विवाद को निपटाने का, ये मैकेनिज्म 30-40 साल से अपनी मूल गति पे भी नहीं आ पा रहा है, तो इसके संकट का समाधान हम किस प्रकार से कर पाएंगे इसको एक विचार करना चाहिए। और इसलिए अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जल के संकट के और सूखे के संकट को सामना करने के लिए अगर बना सकते हैं तो देश में जितना पानी हम लोगों के पास रहता है, दोनों तरह का पानी है, सतह पे बहने वाला नदी का जल भी है और जो भूगर्भ का जल है जो जमीन के अंदर है वो भी है, लेकिन उसका जो उपयोग करने वाली जो क्षमता है, क्योंकि जमीन की टोपोग्राफी ऐसी है, जमीन में पानी संशोषित भी होता है, पानी का और भी उपयोग करना होता है, केवल 60-70% ही हम उपयोग कर पाते हैं। तो देश में वर्षा के जल का संचयन करने के लिए और पानी का ये जो रिचार्जिंग है
इसके लिए होने के लिए कोई एक पॉलिसी का जो है निर्माण करना चाहिए और इसके लिए कोई सांसद के द्वारा भी कोई अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई समस्या ऐसी नहीं है जो एक बार में या दो बार में शुरू हो सके। इस बार सरकार ने एक अच्छा काम शुरू किया है कि मनरेगा के माध्यम से देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी जल परिसंपत्तियों का निर्माण हो, उसके लिए सरकार ने मनरेगा जैसे जो एक कार्यक्रम है उसको पूरा करने का बीड़ा हाथ में उठाया है। आज़ादी के बाद 67 सालों में जितनी भी देश की सिंचाई परियोजनाएं बनी हैं, लगभग 89 सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं जो 40-40, 50-50 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन पर काम पूरा नहीं हुआ है। इस बार के बजट में भी सरकार ने एक विशेष योजना का प्रावधान करके वो जो 89 परियोजनाएं हैं उसको पहले पूरा करने के कार्य को हाथ में उठाया है। ये तो हमारी स्थायी रूप से जल के विषयों को पूरा करने की जो कार्यवाही है वो है, लेकिन इसके परिणाम के संबंध में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ जहाँ हमारे देश की आबादी का 10% आबादी रहती है, लेकिन पानी जो है राजस्थान में पूरे देश के जल का केवल 1% पानी है। और पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से जो आजीविका है वो पशुपालन के ऊपर आधारित है, और जो देश में जो इस समय जो SDRF के नॉर्म जो और NDRF के जो नॉर्म्स हमने बनाए हैं उसमें 90 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तभी वो सूखा डिक्लेयर किया जाता है, उसको कम से कम देश की कुछ जो हमारी आवश्यकताएं हैं जिस प्रकार के पश्चिमी राजस्थान में लगातार 90 दिन के 6-6 महीने तक भी बारिश नहीं होती, औसत से बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर जो NDRF में जो सूखा के जो नॉर्म्स हैं, सूखा के नॉर्म्स सारे देश में एक जैसे नहीं रखे जा सकते। सूखा के नॉर्म्स के लिए आवश्यक है कि जो विशेष क्षेत्र है जहाँ वर्षा का काफ़ी ज़्यादा संकट है उसके लिए सूखे के नॉर्म्स में कुछ हमें रियायत करनी चाहिए, और इस प्रकार के जो राज्य राजस्थान में विशेष रूप से जो वाटर ग्रिड बनाने की जो आवश्यकता है, भूगर्भ में जो पानी है उसको इकट्ठा करके जो वाटर ग्रिड बनाने की आवश्यकता है उसके संबंध में जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उनको विशेष सहायता देने की भी आवश्यकता है। लेकिन नदियों के जो पूरे देश के जो हमारे अंतर्राज्य जल विवाद के विषय हैं उसके संबंध में कोई समाधान कारक एक व्यापक नीति बने, उसको न्यायालय के वाद से बाहर निकाल के हम कोई परस्पर सहमति के आधार पर एक इस प्रकार की नीति विकसित करें जिससे देश में पानी का संकट, क्योंकि जैसे शहर बढ़ेंगे तो मांग और आपूर्ति भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इन सबके बीच में संबंध और समन्वय बने, इसके लिए कोई वाटर ट्रिब्यूनल और एक नए कानून की और एक नए समन्वय के पॉलिसी को और नीति को बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने पिछले दिनों देश के सारे जल प्रबंध के विषयों के नीतियों के लिए पॉलिसी पे काफ़ी कार्य किया है, लेकिन उनको क्रियान्वयन करने के लिए एक व्यापक सहमति पत्र और एक जल आंदोलन बनाने की भी आवश्यकता है, तभी हम सूखे के इस जो संकट लगातार बार बार आने वाला है, मानसून की बारिश एक बार सुलझा देती है लेकिन मानसून हमेशा एक जैसा आए हमारे देश में इसकी गारंटी नहीं रहती, तो मानसून अगर नहीं भी आता है तो हम जो अपनी मांग और आपूर्ति है उसका जो मांग और आपूर्ति है उसको स्थायी रूप से समाधान करने के लिए जल संग्रहण की नीति को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको आवश्यकता मानते हुए इसके संबंध में कोई सर्वानुमति की नीति तैयार करें, तभी हम इस जल संकट को स्थायी रूप से समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद सर।